निवेशकों ने मांगी पूरी राशि, कलेक्टर ने कहा सिर्फ मूल ही देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैक टू बैक एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर, जिसमें सारा के निवेशकों को राशि लौटाने के मामले को लेकर एक समिति बनाई गई है, जिसके पास कंपनी ने 15 करोड़ रुपए जमा भी करवा दिए हैं, जिसे सभी निवेशकों की सूची मिलान करके उन्हें दिया जाएगा। तो कहां पर बनी है यह समिति और किस प्रकार से निवेशकों को राशि पाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा या फिर शिकायतकर्ताओं को यह राशि दी जाएगी, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के द्वारा, जिसमें यह जानकारी निकल कर आई है राजनंदगांव से, जिसमें सारा इंडिया कंपनी के निवेशकों को परिपक्वता राशि नहीं बल्कि मूल रकम ही वापस होगी, यानी जमा रकम पर जो ब्याज बनता है उसे छोड़कर निवेशकों को रकम वापस की जाएगी। सोमवार को जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा से मिलने पहुंचे सारा के कार्यकर्ताओं और निवेशकों को स्पष्ट कह दिया गया है कि उपलब्ध 15 करोड़ रुपये का वितरण सभी को किया जाएगा, न कि सिर्फ शिकायतकर्ताओं को ही यह राशि लौटाई जाएगी। जिसके बाद कलेक्टर ने 3 अधिकारियों की एक समिति भी गठित कर दी है जो निवेशकों की सूची का मिलान कर भुगतान तय करेगी। सोमवार को निवेशकों ने समूह के कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। इनमें मांग की गई कि कंपनी द्वारा जो 15 करोड़ प्रशासन के पास जमा कराया गया है उसे केवल उन्हीं निवेशकों को ब्याज सहित लौटाया जाए जिनकी शिकायत पर FIR दर्ज की गई है। इसके लिए प्रशासन से उन्होंने उचित व्यवस्था बनाने की मांग की, साथ ही जिन निवेशकों ने अब तक आवेदन नहीं किया था उनसे भी आवेदन लेकर राशि लौटाने की व्यवस्था करने की मांग रखी गई है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि आवेदन के आधार पर कंपनी से जो 15 करोड़ जमा कराए गए हैं उसे सभी निवेशकों को मूल राशि लौटाई जाएगी, उसके बाद जो बचेगा उसे स्थिति के अनुसार वितरण की जाएगी। जिसके बाद निवेशकों का आक्रोश देखने को मिला। निवेशकों की रकम वापसी पाने वाले आंदोलन से जुड़े शेष नारायण देवांगन का कहना है कि सभी जमाकर्ताओं को ब्याज सहित रकम वापस लौटाई जाए, वे वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों ने आंदोलन कर कंपनी से 15 करोड़ रुपए जमा कराने का मजबूर किया उन निवेशकों को पहले राशि का भुगतान किया जाए, प्रशासन अगर पूरी राशि नहीं लौटाते तो निवेशक उसे स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने सारा इंडिया से प्राप्त 15 करोड़ रुपए जिले के निवेशकों को लौटाए जाने के लिए अधिकारियों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में अपर कलेक्टर अध्यक्ष तथा जिला कोषाध्यक्ष अधिकारी व नगर पुलिस अधीक्षक सदस्य बनाए गए हैं। समिति द्वारा कंपनी के प्रतिनिधियों से जिले के निवेशकों की सूची प्राप्त की जा रही है, साथ ही प्राप्त आवेदनों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। सूची तैयार होने पर सूची का प्रकाशन कर निवेशकों से दावा आपत्ति ली जाएगी, सत्यापन कर भुगतान की कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो में सारा इंडिया परिवार से जुड़ी एक जानकारी, जहाँ पर निवेशकों को भुगतान लौटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य जिलों में भी इस प्रकार की समिति बनाकर सारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान लौटाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।